भाई वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, सचिन रक्सौल आज आपके लिए एक और वीडियो लाया। और भाई आज अपने पास आ रखी है ग्रैंड विटारा, सबसे बेस्ट वेरिएंट है और इसे हम सबसे टॉप करने वाले हैं, टॉप टू बी टॉप करने वाले हैं। जैसे कि इसमें स्टेयरिंग चेंज होगा, आप स्टेयरिंग चेकआउट करो, टॉप एंड वेरियंट वाला ZXI प्लस वाला इसमें स्टेयरिंग लगेगा, जिसमें स्टेयरिंग कवर स्टिच आता है, सारे कंट्रोल्स आते हैं। और उसी के साथ साथ भाई इसमें 360 कैमरा लग रहा है, सबसे मेन चीज़ इसमें 360 कैमरा लग रहा है, जीवा का एंड्रॉयड स्टीरियो लग रहा है, डैम्पिंग हो रही है डोर्स पे, डुअल लेयर डैम्पिंग हो रही है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डोर्स पे डुअल लेयर डैम्पिंग हो रही है भाई। इसकी रिस्पॉन्स मैं आपको लास्ट वीडियो में भी काफ़ी कई वीडियो में मैं दिखा चुका हूँ कि जब पहले कैसे बजती है और फिर बाद में कैसे बजती है जो गाड़ी की शीट है। उसी के साथ साथ ये भाई इसकी वायरिंग हो रही है, ये आपकी पूरी 360 की वायरिंग हो रही है, ये इसके कैमरे हैं, ये पूरी वायरिंग है। और इसमें क्या है भाई, इसमें 360 कैमरे की बॉक्सिंग है। उसी के साथ साथ इसमें जीवा का स्टीरियो लग रहा है, ये वाला, ये आप चेकआउट करो। भाई चारों डोर्स में डुअल लेयर डैम्पिंग हो रही है, उसी के साथ साथ इसके फ्लोर पे भी इसके डैम्पिंग होगी, पूरे फ्लोर पे भी इसके डैम्पिंग हो रही है। सीट कवर्स लग रहे हैं, सीट कवर्स एक बार आप चेकआउट कर लो, ये इसमें सीट कवर्स लग रहे हैं, टॉप एंड वेरिएंट वाले सीट कवर्स लग रहे हैं। ये देखो भाई अभी लग रहे हैं, फिटिंग हो रही है पूरी, जब फिटिंग होगी दिखा दूंगा मैं आपको। उसी के साथ साथ इसमें PV के कंपोनेंट्स लग रहे हैं पावर बेस के, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी। भाई ये वाले इसमें कंपोनेंट्स लग रहे हैं PV के पावर बेस, काफी अच्छे कंपोनेंट्स है। बाकी अभी जब लगेंगे तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी वायरिंग है। इसमें अंडर सीट बेस भी लग रही है, इसमें अंडर सीट बेस लग रही है एथेन की, और ये वायरिंग लग रही है। उसी के साथ साथ कंपोनेंट्स लग रही है, एम्बियंट लाइट लग रही है, LED लाइट लग रही है, पूरी गाड़ी बेस टू टॉप हो रही है भाई, ये बिल्कुल बेस मॉडल है और बेस टू टॉप हो रही है। अभी बाकी काम मैं दिखाता जाऊंगा आपको जैसे जैसे काम होगा इसमें। भाई ये देखो इसमें ये स्टेयरिंग हटा चुके हैं बेस वेरिएंट वाला, अब इसमें टॉप एंड वेरिएंट वाला स्टेयरिंग लगेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। भाई फ्लोर डैम्पिंग भी हो रही है विटारा में, जैसे कि पूरे वहां से यहां तक पूरी फ्लोर डैम्पिंग होगी, आप चेकआउट कर लो, जिससे कि आपकी जो रोड नॉइज़ है, टायर नॉइज़ है, वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन हो जाएगी। इवन दो जो नीचे का सिलेंसर होता है उसकी भी हीट आती है, वो भी नहीं आएगी। भाई यहाँ पे देखो पूरे फ्लोर पे डैम्पिंग हो चुकी है, यहाँ से ये पूरी देखो पूरे फ्लोर पे डैम्पिंग हो चुकी है, ऐसी यहाँ पे होगी। और उसी के साथ साथ वहाँ पे भी पूरे फ्लोर पे डैम्पिंग होगी, मतलब पूरी कार में डैम्पिंग हो रही है, जैसे कि डोर डैम्पिंग हो रही है और फ्लोर डैम्पिंग भी हो रही है इसमें। तो भाई यहाँ पे 360 की ये होल हो रहे हैं ORVMs में। ठीक हुआ है, इसी के साथ साथ साइड के कैमरे भी लग चुके हैं 360 के, और ये इसकी वायरिंग है, पूरी कपलर टू कपलर वायरिंग होती है 360 कैमरे की भी, ये कैमरा लग चुका है और अभी उसमें फिटिंग हो रही है दूसरे वाले ORVM में। भाई इसमें आगे ब्लैक ग्लॉस ब्लैक की गार्निश इंस्टॉल्ड हुई है, और उसी के साथ साथ क्रोम के इसमें यहाँ पे गार्निश इंस्टॉल्ड हुई है, ये डार्क क्रोम है, ये आप एक बार चेकआउट करो।
प्यारे लग रहे हैं। उसी के साथ साथ ग्लॉस ब्लैक की गार्निश इंस्टॉल्ड हुई है। यहाँ पे भाई क्रॉसओवर इंस्टॉल्ड हो रहे हैं कंपोनेंट्स के साथ। फ्लोर डैम्पिंग हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूँ, डोर डैम्पिंग भी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे 360 कैमरा का कैमरा इंस्टॉल्ड हो चुका है, साइड में दोनों ही तरफ इंस्टॉल्ड हो चुका है। फिटिंग आप एक बार देखो, तो इसमें ओरिजिनल नेक्सा की इसका प्लेट इंस्टॉल्ड हो रही है, आप चेकआउट करो। पूरा पीस चेंज होता है जिसमें की, और इसमें नीचे पूरी इसमें ही नेक्सा की बैजिंग मिलती है, इसमें लाइट जलती है और ये पूरा का पूरा पीस चेंज होता है। ये चार पीस आते हैं इसमें, और ये इसकी ओरिजिनल वायरिंग भी है, जैसे कि कपलर टू कपलर सारी वायरिंग है। ये देखो भाई प्रॉपर वायरिंग है यहाँ पे, ये सारी प्रॉपर वायरिंग है। इवन तो इसमें इंस्ट्रक्शंस भी है कैसे कैसे लगनी है, कौन कौन से पार्ट्स है, पूरी की पूरी हार्नेस मतलब जितने भी से वो है पूरा का पूरा है। ये चारों डोर्स की है ये, इसका प्लेट ओरिजिनल नेक्सा की। 360 व्यू कैमरा की कैलिब्रेशन हो रही है, आगे मैट बिछ चुका है और अभी फ्रंट और बैक की हो रही है। जैसे कि ये देखो अभी कैलिब्रेशन हो रही है, तो मैट बिछ चुका है, सेटिंग हो रही है इसकी पूरी। 360 भी चल चुका है, 360 का ऑप्शन कहाँ पे है, ये रहा भाई 360 का। ये देखो ये 360 चल रहा है। बाकी जैसे कि ये इधर का व्यू आ गया, ये इधर का आ गया, अभी डोर खुला हुआ है, ये दोनों तरफ का आ गया, और ये सिर्फ फ्रंट का है और यहाँ 360 शो करेगा। अच्छा रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है भाई इसमें, यहाँ से रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। बाकी ये दोनों वो दिखाएगा, ये वो है, ये फ्रंट का है, ये 2D 3D। अच्छा ये 2D में है, 3D में ये कुछ सीन्स है भाई इसके। तो भाई ये पूरा 360 इसमें वर्किंग हो गया है, जिसमें आपके दो फ्रंट, ये इधर का व्यू है, ये इधर का व्यू है, ये पूरा 360 है, ये राइट का है, ये लेफ्ट का है, ये सिर्फ राइट का है, ये लेफ्ट का है, यहाँ पे 360 है, ये रियर का है और ये फ्रंट का है। तो पूरा का पूरा 360 व्यू इसमें वर्किंग हो गया है। तो भाई फाइनली सीट कवर्स लग चुके हैं कार में और एम्बियंट लाइट भी लग चुकी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंटीरियर हुआ है पूरी कार में, ये देखो इंटीरियर हुआ है पूरी कार में, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी लगी है, यहाँ पे भी लग चुकी है, उसी के साथ साथ वहाँ पे भी लग चुकी है डैशबोर्ड पे, और चारों ही डोर पैनल्स पे लाइट लग चुकी है। और एक बार मैं आपको सीट कवर्स भी चेकआउट करा देता हूँ। फिटिंग भाई चेकआउट करो, टॉप एंड वेरिएंट वाले सीट कवर है हाइयर अपॉल्स्ट्री के साथ, ये आप एक बार चेकआउट करो। और उसी के साथ साथ इसमें ये देखो भाई, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। ये देखो लो बीम कहाँ तक है और हाई बीम कहाँ पे जा रही है। तो LED भी इंस्टॉल्ड हुई है, ये देखो भाई काफ़ी अच्छा थ्रो है LED का। और मैं आपको पीछे अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आप चेक करो, ये देखो भाई कितनी प्यारी फिटिंग आई है। यहाँ पे भी पूरा इंटीरियर हुआ है कार में डोर पैनल्स का, और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट लग चुकी है भाई। और उसी के साथ साथ यहाँ पे भी देखो इंटीरियर का काम हुआ है, और यहाँ पे एम्बिएंट लाइट लग चुकी है, यहाँ पे पूरे डैशबोर्ड पे इंटीरियर का काम हुआ है, और यहाँ पे भी एम्बिएंट लाइट लग चुकी है। और इसमें जीवा का एंड्रॉयड स्टीरियो लगाए, जिसमें 360
कैमरे का ऑप्शन है और उसी के साथ साथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये 464 में है और ग्लॉस ब्लैक फ्रेम के साथ है भाई। 18 पीसीस की इसमें एम्बियंट लाइट लगी है, आप चेकआउट कर लो, यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट लगी है, मेरी यहाँ पे शेड आ रहा है, उसी के साथ साथ इसमें भी शेड आ रहा है, ये देखो भाई, और ऐसे ही आप यहाँ पे भी चेकआउट कर लो, यहाँ पे शेड आ रहा है, यहाँ पे भी भाई शेड आ रहा है, कितना प्यारा शेड आ रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे भी शेड आ रहा है, ये कलर्स चेंज हो रहे हैं अभी नीचे लेग रूम में भी लगेगी लाइट्स, और ये देखो भाई यहाँ पे लाइट लग चुकी है, ये देखो आप यहाँ पे भी लाइट लग चुकी है। शेड्स आप चेकआउट करो, कितने सारे शेड्स आ रहे हैं, ये देखो भाई अलग अलग कलर है, इसमें सारे ही कलर होते हैं एम्बियंट लाइट में, जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑलमोस्ट सारे के सारे कलर होते हैं इसमें। पीछे ऑरेंज कार था क्या, किस चीज का, खाली पड़ा था ये, कोई क्यूआर कोड दिखा, क्यूआर कोड दिखा दे, चलेगा नेट से चलेगा क्या, भी एम्बिएंट लाइट लगी है, यहाँ पे लगी है, यहाँ पे लगी है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे भी लगी है, अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई उसी के साथ साथ क्रोम गार्निश इंस्टॉल्ड हुई है इसके पूरे टेल गेट पे, ये देखो यहाँ पे क्रोम गार्निश इंस्टॉल्ड होती है, बहुत ही प्यारी लगती है, ये देखो। तो भाई आज हमने ग्रैंड विटारा आई थी हमारे पास बिल्कुल बेस वेरियंट, और इसमें कुछ नहीं आता है इसमें, और ये आज हमने टॉप से भी ऊपर ही कर दी, टॉप से भी मानो तो ऊपर ही, साउंड से लेके डैम्पिंग, एम्बिएंस लाइट, तो सब भी नहीं आता भी। एक बार संजीत भाई डिटेल में बताओ इसमें क्या क्या हमने किया है। इसमें जैसे हम लेदर वर्क करते हैं जो अपने हर मॉडल में करते हैं, जो प्योर मॉडल आता है, एक सीट कवर डालते हैं जनरल वाला, जो टॉप मॉडल टॉप मॉडल का ब्राउन, ये सब बोलते हैं, सारा मैचिंग कर देते हैं, लेकिन ये चीज अलग हम जो देंगे ना वो चीज अलग है। स्टीयरिंग चेंज कर दिया, क्रूज एडजस्ट चालू होगा इसके अंदर भी, अभी टाइम लगेगा बस, इस पे वर्किंग हो रही है, ये भी जल्दी चालू करके देंगे, अभी वर्किंग है इस पे, R&D टीम कर रही है काम, बाकी भाई ये पूरा का पूरा टॉप एंड वेरिएंट वाला लगा है ZXI प्लेस का, जिसमें स्टीयरिंग कवर भी आता है और अपने सारे कंट्रोल आते हैं, और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश भी मिलती है, इसके अंदर फर्स्ट टाइम इंडिया हमने इसके अंदर ग्लोसी किया है बेस मॉडल, ये वाली भाई ये आप देखोगे आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ये बेस वेरिएंट है, और ये मैंने भी आज ही देखी है, जिसमें आपको ये वाला पोर्शन भी ग्लॉस ब्लैक में मिलेगा, है ना भाई, सिस्टम भी ग्लॉस, ये सिस्टम भी ग्लॉस है, और सिस्टम के साथ साथ और एक और चीज बताओ भाई, एसी वेंट का भी ग्लॉस है दोनों साइड का, ये भी भाई ये भी देखो ये ग्लॉस हुआ है, एसी वेंट जो गियर का भी पोर्शन है ग्लॉस, ये वाला भी ग्लॉस हुआ है, सारे आज ग्लॉस हुए, और इसमें जो हमने एम्बियंट लाइट लगाई है वो कितने पीसेस वाली है, 18 पीस जो अपना अवेलेबल करता है, जो टॉप वाली है भाई 18 पीस, जिसमें यहाँ पे भी लगती है, नीचे बोल्टन होल्डर में लगती है, और डैशबोर्ड और दो पैनल्स पे लगती है, पैरों में भी आ रहा है, ये अच्छा चीज है, डिफरेंट है ये, हाँ, ये नहीं वो बिजली वाला काम नहीं, ये डिसेंट काम है, ये बिल्कुल एक हाई एंड वाली एम्बिएंट लाइट है, जो आपको एक प्रॉपर फील देती है, बाकी उसी के साथ साथ इसमें USB हमने लगाया, आगे पीछे भी ओरिजिनल लगाया हमने भाई, ये USB लगाई है, उसी के साथ साथ पीछे भी मैं आपको ये दी, जिसमें आपको ये ओरिजिनल MGP की है, जिसमें C टाइप और टाइप A मिलता है आपको, ये दोनों ही टाइप्स मिलते हैं, गियर नॉब भी हम चेंज कर रहे हैं टॉप मॉडल वाला, ये देखो भाई ये गियर नॉब अभी चेंज हो जाएगी, और उसी के साथ साथ स्टीरियो की बात करें तो स्टीरियो कौन सा लगा है, जो अपना रहने वाला है, जो 360 कैमरा है इसके अंदर, जो अपना रहने वाला है 3D में चलेगा, देखो भाई आगे से लगे पीछे तक, ये आप ऐसे इसे रोटेट करके जैसे जैसे आपकी गाड़ी चलेगी वैसे वैसे आप पूरा इसे चेक कर सकते हो। तो भाई ये हमने जो जीवा का स्टीरियो लगाया है इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ये 464 है, कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस विद 360 कैमरा के साथ, तो भाई इसमें एप्पल कारप्ले भी, आपका एंड्रॉयड ऑटो भी है, और खुद तो ये एंड्रॉयड है, उसी के साथ साथ 360 व्यू कैमरा का भी ऑप्शन है इसमें इंटरनली पूरा का पूरा, DSP प्रो है इसके अंदर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, फास्ट ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको किसी भी स्टीरियो में नहीं देखने के लिए मिलेगी, आपको काफी डिफरेंट है इसके अंदर, जैसे आपको रॉक चाहिए, क्लासिक चाहिए, पॉप चाहिए, सारे इसके अंदर सिस्टम है,
तो सबसे हाई एंड वाला है ना ये? हाँ, सबसे हाई एंड है। तो भाई इस गाड़ी में हमने सब कुछ टॉप नॉच का किया है। ये आप इसकी एलईडी देखो, जो हमने एलईडी इसमें चेंज की है, ये एलईडी भी चेंज की है। बाकी भाई वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। नीचे काउंटिंग कास्ट की आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अचिन विद यू फॉर यू ऑलवेज। बाय बाय।